इस वीडियो के प्रायोजक है दीपांश भाटिया, नर्सिंग होम आयुष्मान भारत व हरियाणा सरकार के पैनल पर भी उपलब्ध। हमारा पता है मेडिकल एनक्लेव नियर म्युनिसिपल काउंसिल चंडीगढ़ रोड टोहाना। आम आदमी पार्टी हरियाणा के कार्यकर्ता गांव-गांव में बदलाव जन संवाद करके लोगों की राय लेगी और उनके मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से सत्ता परिवर्तन करेगी। पार्टी के जिला अध्यक्ष हैप्पी रानिया ने यह जानकारी आज पार्टी कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने एक बार सभी पार्टियों को मौका दिया है, लेकिन उन्होंने हरियाणा के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। इस बार जनता को यदि हरियाणा में बड़ा बदलाव चाहिए तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस बार गाड़ी के टायर को नहीं बल्कि पूरी की पूरी गाड़ी को बदलना पड़ेगा, तभी हरियाणा के लोगों का भला हो सकेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को इसलिए जेल में डाला क्योंकि उनको डर था कहीं हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा से भी इनका सफाया ना कर दे। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने सभी पार्टियों को बहुत मौके दिए हैं, लेकिन उन्होंने बार बार हरियाणा की जनता को धोखा दिया है, किसानों, महिलाओं और युवाओं के साथ गद्दारी की है। आम आदमी पार्टी अब जनसंवाद करेगी, हर एक गांव, हर एक वार्ड में जाके पूरे हरियाणा में जनसंवाद होंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हर गांव में जाकर लोगों से उनके जो राय मशवरा है वो लेंगे और पिछली सरकारों ने जो उनके साथ धोखा किया है, जो काम रहते हैं अधूरे हैं, जो काम नहीं किए, जो उन्होंने लारे लगाए, उससे भी उनके साथ बातचीत करेंगे और आगे जो आम आदमी पार्टी अपनी तैयारी करेगी, अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी, वो सारा लोगों की जो डिमांड होगी, जो मांग होगी, उसको ध्यान में रखकर किया जाएगा। हरियाणा की जनता ने जब भी वोट दिया, कभी किसी के बेटे को दिया, कभी किसी के पिता के नाम पर, कभी किसी के दादा के नाम पर दिया वोट, लेकिन हम अपील करते हैं लोगों से कि इस बार आप वोट करो तो अपने बच्चों के लिए करना, अपने हरियाणा के लिए करना, अपने विकास के लिए करना। और आम आदमी पार्टी अपनी जो भी मैनिफेस्टो रखेगी, जो आपसे वादे करेगी, उनके ऊपर पूरा उतरेगी, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में और पंजाब में मिलकर आम आदमी पार्टी के वर्करों के साथ यहाँ से उन दूसरी पार्टियों का सफाया किया, उसी तरह से अब हरियाणा में भी बीजेपी और कांग्रेस का सफाया होगा और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। पार्टी के जिला सचिव श्याम मेहता ने बताया कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि हर घर में पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार बैठा है। उन्होंने कहा कि महंगाई चरम सीमा पर है, एक भी सरकारी स्कूल पढ़ने लायक नहीं है। अमीर के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, लेकिन गरीब किसान व छोटे व्यापारियों के बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? अस्पताल में न दवाई है, न डॉक्टर है और न ही कोई सुविधा है। जिला मीडिया प्रभारी प्रदीप सचदेवा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों पर डंडे बरसाए और हमारी बहनों को दिल्ली में सड़कों पर घसीटा। हम अपनी माँ बहनों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने पिछले 10 साल में कुछ काम नहीं किया। हरियाणा की जनता आम आदमी पार्टी को एक बार मौका देकर देखें, हम काम करके दिखाएंगे। इसलिए इस बार हरियाणा को बड़े बदलाव की तरफ ले जाने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की गई है। सिरसा से निशा खन्ना की रिपोर्ट। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।